28 अगस्त 2023 को सीमा सुरक्षा बल छावला कैंप नई दिल्ली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से रोजगार मेले के रूप में महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका शुभारंभ 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा हुआ था और प्रथम चरण में ही 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। और आज रोजगार मेले के 8वें चरण में भी भारत के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज सीमा सुरक्षा बल के इस प्रांगण में मुख्य अतिथि श्री नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार और श्री नितिन अग्रवाल, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के द्वारा विभिन्न विभागों के लिए चयनित किए गए उम्मीदवार जैसे बीएसएफ 124, सीआरपीएफ 25, सीआईएसएफ 10, आईटीबीपी 37, एसएसबीओ 6, 3 असम राइफल 17 के कुल 219 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। आज की नौकरियों को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जो संकल्प लेते हैं उसको जरूर पूरा करते हैं। 10 लाख नौकरी देने के उस वादे को पूरा करने के लिए आज जो 8वां रोजगार मेला आयोजित है और प्रधानमंत्री जी को आज जिस प्रकार से देश के नौजवानों ने उनके साथ आपको मैं एक बार पुनः सूचित करना चाहता हूं कि संकल्प के जो भाव दिखाई पड़ता था आपको मैं एक बार पुनः सूचित करना चाहता हूँ। जलपान साहब नौकरी मिलने से युवाओं को अपने स्थान पर बिल्कुल युवाओं को अच्छा लग रहा है या नौकरी लेने में, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने जितने लोगों ने यहाँ अपने बातों को रखे, सब लोगों ने कहा कि देश की सेवा सर्वप्रथम है और प्रधानमंत्री जी ने इस सेवा के लिए हमको मौका दिया, इसलिए प्रधानमंत्री जी का सब लोग आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने हेतु बधाई देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। जय हिंद। क्या परिस्थितियां रही, कैसी कठिनाइयां आई, आपको थैंक यू सर। और नियुक्ति पत्र प्राप्त अभ्यर्थी देश के युवा फोटो सेशन के लिए बताइए ताकि उनको भी राह मिल पाए। बस मेहनत करते रहो तो सफलता तो मिलेगी। जाओ जाओ। मेरा नाम निकिता है और मैं हरियाणा से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज साहिल खान। माननीय प्रधानमंत्री की ओर से 51,000 नौकरियां देश भर में युवाओं को मिली है, उसमें से आपको भी मिली है। क्या क्या कठिनाई रही, कैसी परिस्थितियां रही जिनमें आपने ये एजुकेशन प्राप्त की और यहां तक पहुंचे? सर मेरे लिए 12th करते ही सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि मुझे हायर एजुकेशन बाहर यानी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी से करनी थी, लेकिन कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मैं नहीं हो पाई। तो मैंने अपने जो रेवाड़ी जिले में ही जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे अपनी हायर एजुकेशन स्टार्ट की, और फिर मैंने आज जो कोरोना आया वो कोरोना हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया, क्योंकि जो कोचिंग हम दिल्ली आके लेते थे वही हमें आजकल ऑनलाइन मिल रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए तो सबसे बहुत बड़ी बात है कि हमारे घर तक एजुकेशन मिल रही है, और इससे जो बच्चा ईमानदारी के साथ मेहनत करेगा ना वो अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेगा। मेरे परिवारजनों, 9 साल पहले आज के ही दिन प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास
बैंक खाता ही नहीं था, बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव गांव में बैंक खाते खुले तो इसके लिए बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स के रूप में, बैंक मित्र के रूप में लाखों युवाओं को अवसर मिले। बैंक मित्र हो, बैंक सखी हो, इसके रूप में हमारे हजारों बेटे बेटियों को रोजगार मिला। आज 21 लाख से अधिक युवा साथी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट, या तो कहें बैंक मित्र या बैंक सखी के रूप में गांव गांव में सेवाएं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में डिजिटल सखियां महिलाओं और बुजुर्गों को बैंकिंग सेवा से जोड़ रही है। इसी प्रकार जनधन योजना ने रोजगार और स्वरोजगार के एक बड़े अभियान मुद्रा योजना को बल दिया। इससे महिलाओं सहित उन वर्गों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए लोन लेना आसान हुआ, जो कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इन लोगों के पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में सरकार ने खुद उनकी गारंटी ली। मुद्रा योजना से अभी तक 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए जा चुके हैं। इसमें करीब 8 करोड़ साथी ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार कोई बिजनेस शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत करीब करीब 43 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना हमारे, पहली बार बैंकों से बिना गारंटी का ऋण स्वीकृत हुआ है। मुद्रा और स्वनिधि के लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित, पिछड़े और मेरे आदिवासी युवा है। जनधन खातों ने गांवों में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत बनाने में भी बहुत मदद की है। आजकल तो मैं गांवों में जाता हूं, जब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को मिलता हूं तो कई तो उसमें से आके गए, मैं तो लखपति दीदी हूं। ये सब इसी से संभव हुआ है। सरकार जो आर्थिक मदद करती है वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के बैंक खातों में अब सीधे जमा होता है। जनधन योजना ने देश में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को गति देने में जो भूमिका निभाई है वो वाकई हमारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए अध्ययन का विषय है।